बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मेहमान इकराम, इसी तरह तमाम शुरका मर्द व ख़वातीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये तंजीम जिसका नाम तंजीमुल खैर है, जो अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 4 साल से मुख्तलिफ फलाही कामों में खिदमत अंजाम दे रही है। इससे पहले भी इसके बहुत से काम चलते आ रहे हैं। एक तो ये है कि इसके अंदर तंजीम के अंदर बेवाओं और ज़रूरतमंदों के अंदर बेवाओं के लिए माहाना वज़ाइफ दिए जाते हैं, और इसी तरह जो है ख़वातीन में जो है टेलरिंग सेंटर का अहतमाम किया जाता है, जिसमें बाज़ाब्ता टेलरिंग के लिए जो है खातून को रखकर 40-50 दिन का एक कोर्स उस पर रखकर जो है ख़वातीन को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। उसके बाद उनको जो है जो उसके अंदर माहिर होते हैं उन्हें जो है सनद भी दी जाती है, इनामात से नवाजा जाता है। इसी तरह कभी हंगामी सूरत हाल में बीमारों के लिए इमदाद की जाती है, ज़रूरतमंदों में माली नकद इमदाद भी की जाती है। गुज़िश्ता 60 अफराद ख़ानदान ने ईद पैकेज दिए थे, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह जो है 100 से ज़ायद जो है ख़ानदानों में ईद का पैकेज देने की कोशिश किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को कबूल करे। हमारे पीछे जिन अहबाब की हिम्मत अफजाई हमारे साथ है, अल्लाह ताला उनके कारोबार में दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम हजरात, जैसा कि आप हजरात जानते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का ये इख्तितामी मरहला है, 2-3 दिन बाकी रह गए हैं ईद के लिए। इस्लाम में ईद की बुनियाद 2 चीज़ों पर रखी गई है। एक तो ये है कि खुदा की नेमतों का इस्तेहजार करके उसका शुक्र बजा लाना, दूसरा ये कि माशरे के गरीब और नादार अफराद को ईद की खुशियों में शामिल करना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को अपने उम्मत के गरीबों के बारे में बड़ी फिक्र रहा करती थी, इस वास्ते सदक़े फितर की अदायगी भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया है, इसे वाजिब करार दिया है साहिब सरवत हजरात पर। जाहिर है जब साहिब सरवत हजरात सदक़े फितर की अदायगी का अहतमाम करते हैं, वो पैसे जब मोहताजों को गरीबों को पहुँचते हैं तो वो भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाते हैं। माशाल्लाह हमारी ये तंजीमुल खैर महबूब नगर जो 4 साल से काम कर रही है, और इसकी सरपरस्ती और निगरानी हजरत मौलाना शाह मोहम्मद अब्दुल जब्बार साहब मजाहिरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे, अब वो हमारे दरमियान नहीं रहे। अल्लाह ताला आपकी बाल बाल मगफरत फरमाए, दराजात को बुलंद फरमाए और जन्नतुल फिरदौस अता फरमाए। मुख्तसर से अरसे में मुख्तलिफ तारहाए नुमाया इस तंजीम ने अंजाम दी हैं। माहाना वज़ाइफ का सिलसिला भी जारी है, इसी तरह टेलरिंग सेंटर है, और सरमा के मौसम में ब्लाकिट की तकसीम का अमल भी किया गया मुख्तलिफ देहातों में, और इसी तरह रमज़ान के मौके पर ईद गिफ्ट पैकेज के नाम से भी गुज़िश्ता 4 सालों से सिलसिला चल रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोग साहिब सरवत हजरात के तआवुन से तकरीबन 120 अफराद में ईद गिफ्ट पैकेज तकसीम कर रहे हैं। अभी ये मरहला यहाँ पे होगा ये ईद गिफ्ट पैकेज का, उसके बाद असर के बाद यहाँ महबूब नगर से करीब में एक गांव है मुनी मक्षम, 18 किलोमीटर दूरी पर वाक़ है, वहाँ भी इंशाल्लाह हम लोग ईद गिफ्ट पैकेज के नाम से वहाँ के मुस्तहिक लोगों में वो तकसीम करेंगे। वो तकरीबन 50 अफराद में ईद गिफ्ट पैकेज वहाँ तकसीम करेंगे, और सारे गांव वालों के लिए सारे हजरात के लिए खाने का भी नज़्म किया गया है। दुआ फरमाएं अल्लाह ताला हमारी तंजीम के हाथों को मजबूत फरमाएं, और इसके ज़रिए से खैर फैलता रहे और लोगों की मदद होती रहे। बहरहाल जो जो हजरात इसमें तआवुन किए हैं अल्लाह सब के तआवुन को कबूल फरमाएं, और जो तलबा हमारी तंजीम में जुड़े हुए हैं, जो बच्चे बड़े मुतहर्रिक और बड़े फ़ाल हैं, अल्लाह इन सब की खिदमात को कबूल फरमाए। बिलखसूस हमारे मोहम्मद फ़हीम साहब हैं, और इसी तरह मोहम्मद अवेज साहब, और भी बहुत से हजरात हैं जिन अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए।